नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी होस्ट ममता मलिक आज आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ मसाला मैगी की रेसिपी। बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बना के आपको दिखाऊंगी और झटपट तैयार हो जाएगी और आप हर बार बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। मसाला मैगी बनाने के लिए हमने 70-70 ग्राम के मैगी के 2 पैकेट ले लिए हैं, जिनको हमने बॉयल करके रख लिया है। 30 से 35 ग्राम हमने पनीर लिया है और 4 क्यूब्स हमने अमूल बटर के लिए हैं, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और 4 से 5 चम्मच हमने रिफाइंड के लिए हैं। सब्जियों में हमने 2 प्याज लिए हैं, उन्हें हमने काट कर रख लिया है। और 1 शिमला मिर्च ली है, उसे भी हमने काट लिया है। और 2 आलू लिए हैं, उन्हें भी हमने काट लिया है। और हमने 1 कटोरी मटर की ली है। मसालों में हमने लिया है नमक लिया है, देगी मिर्च ली है और मैगी मसाला लिया है। सबसे पहले हम लोग गैस ऑन करेंगे, 4 से 5 चम्मच हम लोग रिफाइंड के डालेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर आलूओं को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब देखिए हमारे आलू गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब इसे हम निकाल लेंगे। अब देखिए हमने अपने आलू फ्राई कर लिए हैं और इसे हमने निकाल लिए हैं। अब इसके अंदर हम लोग 2 क्यूब बटर के डालेंगे। अब इसी के अंदर हम अपने प्याज डालेंगे। अब प्याजों को हम लोग थोड़ा सा फ्राई करके फिर इसके अंदर हम मटर भी डालेंगे। अब हमारे प्याज थोड़े से ब्राउन से होने लगे हैं, अब इसके अंदर हम मटर भी डाल देंगे। हम लोगों ने सफल के मटर लिए हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर हम लोग अपनी शिमला मिर्च भी डालेंगे जो हमने काट कर रखी थी। दो से तीन मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे, क्योंकि इसका क्रंचीपन रहना चाहिए। अब इसके अंदर हमने जो आलू फ्राई करके रखे थे वो भी इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर अपने मसाले ऐड करेंगे। हम 1 चम्मच नमक का डालेंगे, 1 चम्मच हम देगी मिर्च का डालेंगे, 2 चम्मच मैगी मसाला डालेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर अपना कटा हुआ 30 से 35 ग्राम जो पनीर हमने लिया था वो डाल देंगे। अब इसे मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर हम अपनी बॉईल की हुई मैगी डाल देंगे जो 2 पैकेट हमने लिए थे। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब देखिए हमारी मैगी कितनी अच्छी लग रही है, बच्चे बड़े खुश होकर खाएंगे। वैसे तो बच्चे सब्जियां कोई खाते नहीं है, इस बहाने से बच्चे सब्जियां भी खा लेंगे। अब इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए चलाएंगे, फिर हम गैस बंद कर देंगे। अब देखिए हमारी मैगी बिल्कुल रेडी हो गई है, अब हम गैस बंद कर देंगे। मैगी हमारी रेडी हो गई है और ये साथ में हमने पुदीने और धनिए की चटनी ली है, जो कि मैंने आपको पहले भी सिखाई है और मैं आपको लिंक में डाल दूंगी। और साथ में हमने टमाटो केचप ली है। तो फ्रेंड्स, आपको आज की मेरी मैगी की रेसिपी कैसी लगी है? अगर आपको मेरी मैगी की रेसिपी अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।